हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, आंखों से कहो नमनाक न हो। पुलिस के शहदा को सलाम। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस। पुलिस जवानों ने जीपीओ चौक धमाका से लंकन टीम पर दहशतगर्दी समेत लातदाद दीगर वाकयात में जानों के नजराने पेश किए। पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से महकमे पुलिस की इज्जत व तकरीम को चार चांद लगाए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की पुलिस लाइन किला गुजर सिंह आमद। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने देने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने पुलिस गाजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी। जो देखा गया था यानी 2017 से पहले वाले हर शहीद के घर का वादा पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर शहीद का बच्चा किसी वजह से रुकता है, मिसाल के तौर पर कोई झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया, मिसाल के तौर पर फैमिली में कोई शख्स आया या डिसमिस हो गया, या कोई शख्स जॉब छोड़ गया, या उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उससे उसकी शहीद की शहादत नहीं छीनेगी। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। शहदा के अहले खाना से किए वादे हर सूरत पूरे करेंगे। पुलिस शहदा के अहले खाना को घर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। शहदा के बच्चों की स्कॉलरशिप में इजाफा किया जाएगा। पुलिस शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम शहदा पुलिस की तकरीब से खिताब। CCPO बिलाल सदीक का म्याना बोले, शहीद होने वाले अफसरान व अहलकार जन्नती हैं। अल्लाह ने दुनिया में ही शहीद को जन्नत की बिशारत दी। फ़राइज़ की राह में जान व माल की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शहीद के बारे में कहा गया कि वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, क्योंकि उनको इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी कि वो जन्नत में जाएंगे। मैं इस मौके पे जनाब आईजी साहब को बेहद अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने आईजी बनने का हक अदा किया और शहदा के लिए वो काम दोबारा शुरू किए जो आज तक पुलिस की हिस्ट्री में नहीं हुए। यौम शहदा पुलिस CTO मुस्तनसर फिरोज़ की कैवेलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी। मुस्तनसर फिरोज़ ने शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। ट्रैफिक पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर सलामी दी। कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की वालिदा बेटे की कब्र पर हाजिरी के मौका पर आपदीदा हो गईं। कहती हैं, कमरे में लगी तस्वीर से लगता है जैसे अभी अहमद मुबीन निकल कर आएगा और मुझे सलाम पेश करेगा। बेटे की तन्हाई में बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है। मेरे कमरे में तस्वीर एक साइड पर लगाई हुई मैंने मुबीन की। एक तस्वीर का तो ये लगता है मुझे जैसे अभी वो निकल के ना तस्वीर में से निकल के आ जाएगा, सलाम करेगा और कमरे में चले जाएगा। मेरे बेटे 3 साल मैंने जिस तरह तन्हाई में काटे हैं, जिस तरह मैंने किया, आपको नहीं जानता। खुदा ना करे कि आप लोग ये बीते, लेकिन ये कि बस बीत रही है हमारे। जो कौम अपने शहीदों को याद नहीं रखती, वो लोग जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी इस मिशन की राह में दी उसको याद नहीं रखती, वो कौम जिंदा नहीं रहती। तो हमने सब ने मिल के इस लाजवाल कुर्बानी को याद रखना है, अपने शहदा की तकद्दस को याद रखना है, उस मिशन को याद रखना है जिस मिशन की तकमील के लिए उन्होंने अपनी जान दी। मुझे बतौर फोर्स कमांडर जो है फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी सीट को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ जिस पे पहले शहदा जो है उसके अमीन रहे हैं। ये जो बिला वजह आवाम में और पुलिस में दूरी पैदा करने की कोशिश की जाती है और गैप्स क्रिएट किए जाते हैं, हम सब ने मिल के इनको ख़त्म करना है। और हमने ये तय करना है कि हमने इंशाल्लाह ताला मिल के उन तमाम अनासर को शिकस्त देनी है जो हमारे दरमियान दरार डालते हैं और मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। बहादुर फोर्स का कमांडर होने पर फख्र है। शहदा पुलिस ने अपना आज कौम के रोशन मुस्तकबिल पर कुर्बान किया। शहीद अहमद मुबीन की शहादत ने महकमे की इज्जत और वकार को चार चांद लगाए। अवाम के तहफ्फुज के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। CTO लाहौर मुस्तनसर फैरोज की गुफ्तगू।
पुलिस के शहदा हमारा फ़ख्र। जनूबी पंजाब के स्टेट डेवलपर्स मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस शहदा की फैमिलीज़ को 68 प्लाट गिफ्ट करेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में MOU पर दस्तखत की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी स्टेट डेवलपर्स के चेयरमैन ने MOU पर दस्तखत किए। बिहारी में 25, बहावलपुर में 5, बहावल नगर में 10 प्लाट दिए जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की पंजाब बार कौंसिल आमद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी हमरा। सरबरा आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून ने नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस का इस्तकबाल किया। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का बोसीदा पाइपलाइन तब्दील करने का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मुख्तलिफ इलाकों में 30,000 मीटर लंबी लाइन बिछाएगी। ज़राए के मुताबिक लो प्रेशर वाले इलाकों के लिए 2 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। शहर में गिरा फरोशी उरूज पर, आवाम के लिए 2 वक्त की हंडिया पकाना भी मुश्किल हो गया। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों बिकने लगे। सस्ता प्रोटीन सस्ता होकर भी महंगा। चिकन की कीमत में 11 रुपए कमी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 552 रुपए किलो हो गई। गर्म मौसम में अंडे बदस्तूर महंगे। फी दर्जन अंडों की कीमत 280 रुपए मुकर्रर। डॉलर की कदर में मामूली कमी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर 23 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 97 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की बददस्तूर 294 रुपए तक ट्रेड। मेरा वोट लेने का कोई इरादा नहीं। तस्वीरें बनवाने और लगवाने का भी शौक नहीं। कोशिश है जितना भी वक्त है उसमें आवाम की खिदमत करूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रिंग रोड सदर लूप 3 के तामीराती काम का जायजा। कहा रिंग रोड लूप 3 मंसूबे पर काम शुरू करना अच्छा इकदाम है। एसएन रमजान के मामले पर इंक्वायरी का भी ऐलान। सर्विसेज अस्पताल को अपग्रेड करने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान तलब। सर्विसेज अस्पताल को पंजाब का बेहतरीन अस्पताल बनाना चाहते हैं। आइंदा 10 से 20 साल की जरूरियात के मुताबिक मास्टर प्लानिंग की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर अमजद रईस की तायनाती हाईकोर्ट में चैलेंज। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर हुमायूं अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के 10 शरीक मुलजमान की अबूरी जमानत पर समाअत। एंटी करप्शन अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानत में 31 अगस्त तक तौसीक कर दी। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए फ्रॉड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। FIA साइबर क्राइम की गुलबर्ग के इलाका में कार्रवाई। शहरियों से फ्रॉड में मुलविस गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों लोगों से फ्रॉड का एतराफ किया। FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का तीसरा इजलास। LDA के माली साल 2023-24 का फासल बजट मंजूर। UD विंग वासा और टीपा के लिए 78 अरब 66 करोड़ से जायद के बजट की मंजूरी दी गई। अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए लोन एग्रीमेंट भी मंजूर कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का LDA को टेक्निकल डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। LDA का रवा माली साल के लिए 78 अरब 66 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। पेट्रोल की मद में 165 मिलियन, बिजली के लिए 150 मिलियन का बजट मुख्तस। टाउन प्लानिंग विंग की रिकवरी के लिए 12.5 अरब रुपए रखे गए हैं। तनख्वाहों की मद में 4.2 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत LDA को रवा माली साल 2 अरब का कर्जा देगी। गवर्निंग बॉडी में मौजूद मंजूर शुदा बजट की तफसीलात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कमेटी के सरबराह होंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब कमेटी के अरकान में शामिल हैं। काबीना कमेटी पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम की निगरानी करेगी।
गजाफी स्टेडियम को बारिशी पानी से डूबने से बचाने का प्लान। पंजाब हुकूमत और वासा एक बार फिर गजाफी स्टेडियम में वाटर टैंक बनाने के लिए मुतहर्रिक। वासा ने निश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 वाटर टैंक तजवीज़ कर दिए। फंड्स के हसूल के लिए वजीर आला पंजाब को समरी भी अरसाल कर दी। तीन हुकूमतें आईं लेकिन सब्जी और फल मंडी गेम चेंजर मंसूबे की ना सुनी गई। 15 माह में मंसूबे पर कोई पेशरफ ना हो सकी। बुज़दार सरकार हमजा और परवेज इलाही की हुकूमतें मंसूबे का कोई हल ना निकाल सकी। बड़े स्टेक होल्डर्स मंडी मुंतकली बारे हिजानी कैफियत का शिकार। सब ने निगरान पंजाब हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। 300 के करीब असातिज़ा प्रमोशंस के लिए क्लियर करार। एंटी करप्शन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। महकमा हायर एजुकेशन मस्कूरा असातिज़ा की प्रमोशन के केसेस को सूबाई प्रमोशन इजलास में भिजवाएगा।